हेलो स्टूडेंट्स, लूनर एकेडमी 8th क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम एनसीईआरटी 8th क्लास का ये सॉल्यूशन करने वाले हैं, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 7 और 8। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर दो क्वेश्चन करेंगे, 7 और 8, ठीक है। तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द सम ऑफ 3 कंजुगेटिव मल्टीपल ऑफ 8 इज 888, तो फाइंड द मल्टीपल। ऐसा बोला गया है कि जो 3 कंजुगेटिव नंबर हैं और जो 8 के मल्टीपल हैं, तो अगर हम जो सम करें तो 888 आता है। तो बताओ वो नंबर 3 नंबर कौन कौन से हैं। तो आपको पता होगा कि भाई कंजुगेटिव का मतलब क्या होता है, कि भाई एक के बाद एक जो नंबर आते हैं, है ना। तो ऐसा कर लेते हैं, लेट फर्स्ट कंजुगेटिव नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 8x, है ना। 8 मल्टीप्लाई एक्स, 8 का मल्टीपल है। सेकंड कंजुगेटिव नंबर क्या आ जाएगा, कंजुगेटिव की बात हो रही तो भाई x प्लस 1 होना चाहिए। पहला x, सेकंड हो जाएगा x प्लस 1 और थर्ड हो जाएगा x प्लस 2। अगर 8 का मल्टीपल है तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहीं पे 11 का मल्टीपल होता तो 11 से कर देते हैं। अगर 4 का मल्टीपल होता तो हर जगह 4 से करते हैं। बट ये चीज़ें हमारी सेम रहेंगी, एक्स एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, ठीक है। एंड थर्ड कंजुकेटिव नंबर क्या हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 2। ओके, क्योंकि कंजुगेटिव है, एक के बाद एक आ रहा है, इट मीन्स हमारा पहला नंबर है एक्स, सेकेंड एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1 एंड थर्ड हो जाएगा एक्स प्लस 2, ठीक है। तो क्वेश्चन बोला गया कि अगर इन दोनों को, अगर इन तीनों नंबर का जो सम है वो 888 है, है ना। तो कर लेते हैं नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो पहला नंबर 8 मल्टीप्लाई एक्स, सेकेंड नंबर 8 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 एंड थर्ड नंबर 8 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 2, और इन सबका सम कितना है, 888, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8x, 8 को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x प्लस 8 को 1 से करेंगे तो 8 मिल जाए 8 प्लस, इधर करेंगे 8 को x से करेंगे तो 8x प्लस, और 8 को 2 से करें तो 8 हो जा 16 इक्वल टू 888। ओके, आप सबको जोड़ लो, 8x और 8x कितना हो जाएगा 24x, 16 एंड 8 कितना हो जाएगा 24 इक्वल टू 888। ये 24 प्लस में उधर जाके हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 24x, ये हो जाएगा 888 माइनस 24। सॉल्व करते हैं आगे, तो x अपॉन में और 24x इक्वल टू, इसमें से माइनस कर लो, 888 में से 24 माइनस कर लो, तो 8 में से 4 जाएगा 4, 8 में से 2 जाएगा 6, और यहाँ कितना रह जाएगा 864। तो x अपॉन में 864, ये 2 मल्टीप्लाई करके हो जाएगा डिवाइड, है ना। तो कर लेते हैं, तो 24 का टेबल जब कर लेते हैं तो 24 3 जा होता है 72, तो 86 में से अगर 72 जाएगा तो कितना आ जाएगा 144, है ना, 14 आ जाएगा। तो 14 ये 144 बन जाएगा, 24 के डबल में 144 6 बार में आता, तो ये 6 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 36। तो हमें बाकी 3 नंबर निकालने थे, बोला गया था ना कि फाइंड द मल्टीपल, तो वो मल्टीपल कौन से हैं। तो ऐसा हम लिख देंगे 36 आ गया, ये सारी वैल्यू उठा के इसमें 1 by 1 पुट कर देंगे, ठीक है। तो पुट कर लेते हैं, तो लिखते हैं हेंस फर्स्ट कंजुगेटिव मल्टीपल ऑफ 8 क्या आ जाएगा भाई, 8x था तो 8 और एक्स वैल्यू कितनी है 36, कर लो 8 6 जा 48 की 4 कैरी 4,
और 8 से जब 48 का 8 कैरी 4, 8 से 24, 24 में 4 ऐड करेंगे तो 28, एक नंबर ही आ गया। ठीक है, सेकंड मल्टीपल डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं, सेकंड मल्टीपल ऑफ 8 क्या आएगा भाई, 8 एक्स प्लस 1 था, यहाँ मैं डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ लिख दो 8 और एक्स वैल्यू कितनी आई है 36 प्लस 1, तो 8 मल्टीप्लाई 37। ठीक है, तो 8 को कर लूँ, 8 7 या 56 कैरी 5, और 8 3 या 24 और 5 तो 288 296, एंड थर्ड मल्टीपल ऑफ 8 क्या आ जाएगा, 8 एक्स प्लस 2 था तो 8 एक्स की वैल्यू आई है हमारी 36 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 38, तो 8 सिक्स जा 48, 8 एट 64, 64 का 4 कैरी 6, 8 सिक्स 24 और 6 30, तो हमारे मल्टीपल कंजुगेटिव मल्टीपल क्या क्या आ गए, 888, 296 एंड 304, ये हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, इस क्वेश्चन का इस प्रकार करना है, कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो मल्टीपल वाला, और कंजुगेटिव है तो 1/1 होता है भाई, एक पहले अगर पहली वैल्यू x होगी तो सेकंड होगी x प्लस 1, थर्ड होगी x प्लस 2, और फोर्थ की बात करें तो x प्लस 3 हो जाएगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि 3 कंजुगेटिव इंटीजर आर सच दैट व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब 3 कंजुगेटिव इंटीजर लेने हैं और वो इस प्रकार लेना है कि जब उनको हम बढ़ते हुए क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले रहे हैं और एंड मल्टीप्लाइड बाई, और उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2, 3 एंड 4 से। कहने का मतलब अगर हमारा जो फर्स्ट मल्टीपल होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड होगा तो उसको 3 से करना है, और जो थर्ड होगा उसको 4 से करना है, और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो इसका मतलब ये कंजुगेटिव है। और अगर और फिर क्या बोला है, दे एड ऑफ 274, अगर इनको ऐड कर देंगे तो इनको ऐड होने पर कितना आ जाएगा, 74 आ जाएगा। तो फाइंड द नंबर, तो वो नंबर कौन कौन से होंगे, तो ऐसा कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि लेट सेम तरीके से जैसे यहाँ लेट किया था क्वेश्चन नंबर 7 में, लेट फर्स्ट कंजुगेटिव इंटीजर एक्स, बट यहाँ कोई मल्टीपल नहीं बोला, बट क्वेश्चन ने बोला 2x 3, 2, 3 और 4 से मल्टीप्लाई करना, तो हम लास्ट कंडीशन में कर देंगे, है ना। सेकंड कंजुगेटिव इंटीजर क्या बनेगा, अभी बढ़ते क्रम में, तो पहला x था, दूसरा हो जाएगा x प्लस 1, थर्ड कंजुगेटिव इंटीजर ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2, है ना। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको क्या करना है कि बोला गया था भाई कि अगर इनको मल्टीप्लाई कर लें 2, 3 एंड 4 से, तो इसको करना है 2 से, इसको करना है 3 से, इसको करना है 4 से, तो 2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस, और इनको ऐड करने पे कितना आ जाएगा, 74, तो 2 मल्टीप्लाई एक्स, 3 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 2, ऐसा करने पर ये कितना हो जाएगा, इनको ऐड भी कर दिया तो कितना आ जाएगा, 74 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 74, इसको ऐड सॉल्व कर लेते हैं, 2 को x से करेंगे तो हो जाएगा ये 2x प्लस 3 को x से करेंगे 3 1 या 3x, और 3 को 1 से करेंगे तो 3 प्लस 4 को x से करेंगे तो 4x, और 4 को फिर 2 से भी करना पड़ेगा क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है, 2 4 जा 8 इक्वल टू 74, नंबर ऐड कर लेंगे और x वाली वैल्यू एक साथ रख लेंगे, तो 2x 3x और 4x ये कितना हो जाएगा, 4 और 3 7, 7 में 2 ऐड करेंगे तो 9 9x, और नंबर कितना हो जाएगा, 8 और 3 कितना होता है 11 इक्वल टू 74, ये 11 है, इधर प्लस में उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो 9x बराबर 74 माइनस 11, तो 9x बराबर कितना हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा 3, 7 में से 1 जाएगा तो 6, तो x वैल्यू आ जाएगी 63 अपॉन में 9, 9 इक्वल 63 आता है 7 बार में, तो ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। और फिर हमसे पूछा गया है कि एंड फाइंड द क्या बोला गया था, फाइंड दीज नंबर, तो वो नंबर कौन कौन से होंगे, है ना, तो मैं लिख देता हूँ, हैंस नंबर्स आर, तो हमारा नंबर क्या क्या हो जाएगा, पहला नंबर क्या था, एक्स था, तो
पहला नंबर एक्स था तो हमारा आ जाएगा नंबर, तो यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट नंबर, चलो यहीं लिख देते हैं नंबर सर, पहला क्या हो जाएगा सेवन है ना, सेकंड कितना हो जाएगा, ये पहला हो गया सेवन, अगला क्या हो जाएगा सेवन प्लस वन एट, एंड जो थर्ड नंबर है वो क्या था एक्स प्लस टू, तो एक्स के प्लेस में सेवन रखेंगे, सेवन प्लस टू कितना हो गया नाइन, ठीक है। तो हमारे जो नंबर मिलेंगे सेवन एट एंड नाइन, इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, बेल आइकन भी दबा लेना ताकि आने वाली जो वीडियो है, अब कंटिन्यू वीडियो डालूंगा तो उन सबका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, अब सारी वीडियो लगातार आएंगी है ना, इसकी टेंशन आप मत लेना, डेली आपको चार क्वेश्चन या फिर दो क्वेश्चन हम कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू, वन बाय वन सारी सीरियल वाइज वीडियो डालूंगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो कोई, ठीक है, थैंक यू।